नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सर्कल मुरैना में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं SSC GD की ओर से एक और निकाली गई बड़ी खबर के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि SSC की जो ऑफिशियली आंसर शीट थी वो बोर्ड पर से हटा ली गई थी, ऑफिशियल साइट पर से। कल की डेट में ये आंसर शीट हटा ली गई थी, सिर्फ ऑब्जेक्शन करने के लिए वो एक ऑप्शन आ रहा था, लेकिन आज दोपहर बाद SSC की ओर से ऑफिशियली वेबसाइट पर दोबारा से आंसर शीट डाल दी गई है। तो आपसे गुजारिश होगी अपनी अपनी आंसर शीट एक बार फिर से चेक कीजिए, क्या क्या इसमें बदलाव आए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि एक एक बार अपने अपने आंसर शीट एक बार आप फिर से चेक कीजिए, क्योंकि इस बार जो आंसर शीट आपकी दोबारा डाली गई, हो सकता है इसमें कुछ प्रश्नों में अंतर आए और कुछ मार्क्स आपके बदल जाएं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग अपने आंसर शीट कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है कुछ आपके मार्क्स घट बढ़ जाए, कुछ ऐसे प्रश्न जो गलत थे पहले मे बी पॉसिबल कि इस बार वो प्रश्न सही हो जाए। जो क्वेश्चन पहले बता रहे थे कैंडिडेट्स कि किसी शिफ्ट में 2 गलत हैं, किसी में 5 गलत हैं, किसी में 7 गलत हैं, तो वे सभी क्वेश्चन जो है उम्मीद ऐसी ही है कि वे सारे क्वेश्चन इस बार दूसरी आंसर शीट जो आई है नई उसमें सही होके आएंगे। तो साथ ही आप लोगों से एक बात और करेंगे, एक बार मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को ये डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें आप जैसे इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से 2 ऑप्शन दिखने लगेंगे। जैसा कि कल की डेट में मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि यहाँ से आंसर शीट का ऑप्शन हटा लिया गया था, तो यहाँ पे आंसर शीट का एक बार फिर से ऑप्शन डाल दिया गया है, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट। तो आप अपने आंसर की एक बार यहाँ से दोबारा चेक कीजिए और उसमें देखिए कि हो सकता है इसमें कुछ बदलाव आया हो। उसके बाद यहाँ पे बचा दूसरा ऑब्जेक्शन का कॉलम, जिसको चेक करते हैं अभी वो ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे पहले मैं दिन में आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्शन का वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से ऑब्जेक्शन का आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद ये बता दूं आप लोगों को, जैसे ही आप इसका जो पेपर है उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप लोगों का वैसे ही सेम टू सेम पेपर आएगा जैसा कि पेपर आपका पहले आया था। तो आप लोगों को उसमें चेक कर लेना है कि आप लोगों का पेपर जो पहले से बदला है कि इस बार कोई भी इसमें फ़र्क आया है या नहीं आया, ये सब आप लोगों को चेक करना है। तो आप लोग चेक कीजिए और अपने काम मार्क्स दोबारा से कमेंट कीजिए कि पहले और इस अब के हिसाब में कुछ बदलाव आया है या फिर नहीं। इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्शन की, तो ऑब्जेक्शन के लिए एक बार फिर से अपन ट्राई कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन इस बार शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि दोपहर में थोड़ी देर के लिए साइट खुली थी फिर बंद हो गई थी। अगर इस बार चेक करें तो इस बार इसकी जो वेबसाइट है वेबसाइट तो ओपन हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही इसका जो ऑब्जेक्शन है वो दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को अपनी आंसर शीट देखने का मौका मिला है। जिन लोगों ने अभी तक आंसर शीट नहीं देखी है वे अपनी आंसर शीट जरूर देखें, और जिन लोगों ने देख ली है वे एक बार दोबारा इसको चेक करें, क्योंकि आंसर शीट हटाने के बाद दोबारा डालने का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना। तो देखना ये होगा कि अब SSC की ओर से इस पेपर में क्या बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव बता सकते हैं सिर्फ आप ही लोग, क्योंकि आप ही लोग अपनी अपनी आंसर शीट चेक करेंगे और हमें बताएंगे कि सर हमारा इतना बदलाव देखने को मिला या फिर आपका कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले बिना समय गवाए पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।